अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं नाउ किड्स? टुडे और बुक इज किंगडम मैथ। आज जो हमारी बुक है ये किंगडम मैथ की है। नाउ ऑन टुडे और टॉपिक इज नंबर जीरो। आज जो हमारा टॉपिक है ये नंबर जीरो है, ऑन पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर यहाँ पर मेरे पास एक बास्केट है। सो बास्केट में हम देखेंगे कि इसमें मेरे पास कितने बॉल्स हैं। हाउ मैनी बॉल्स इन माई बास्केट? नो बॉल्स, नो बॉल्स। हाउ मैनी बॉल्स? नो बॉल्स। यहाँ पर मेरे पास बॉल्स नहीं है। सो हाउ मैनी मार्कर्स ऑन माई बुक? मेरी बुक पर कितने मार्कर्स हैं? जो मैंने यहाँ पर मार्कर रखे हैं वो कितने हैं? नो मार्कर। क्या आप लोगों को कोई मार्कर दिखाई दे रहा है? नहीं। जैसे मेरी बास्केट में मेरे पास बॉल्स नहीं है, इसी तरह जो मेरे यहाँ पर बुक है, मेरी बुक के ऊपर मेरे पास कोई भी मार्कर नहीं है। सो किड्स, ऑन पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पर टुडे और स्टोरी इज जोया। जोया की आज जो मेरे पास स्टोरी है ये बहुत ही खूबसूरत सी है, और ये है जोया। ये लड़की जो है इसका नाम क्या नाम है? इसका नाम है जोया। सो जोया जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है, और ये क्या करने लगी है, चलें हम इस स्टोरी में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जोया वेंट टू द गार्डन। जोया जो है वो बाग में चली गई। कहाँ गई? एक बाग में गई। सो देयर शी सॉ अ मैंगो ट्री। उसने वहां क्या देखा? वहां उसे आम का दरख्त नजर आया। क्या नजर आया? एक आम का दरख्त, जो कि ये बना हुआ है। उसे वहां क्या नजर आया? एक आम का दरख्त नजर आया। द नेक्स्ट शी स्माइल्ड एंड लुक्ड एट हर बास्केट। उसने क्या किया? उसने मुस्कुरा कर अपनी टोकरी को देखा। कहां देखा? अपनी टोकरी को देखा। शी हैड नथिंग इन हर बास्केट। तो इसकी जो टोकरी थी उसमें कुछ नहीं था। टोकरी में क्या था? कुछ भी नहीं था। शी हैड जीरो मैंगोज इन हर बास्केट। इसकी जो बास्केट थी, इसकी जो टोकरी थी, उसमें सिफर, जीरो को सिफर कहते हैं, तो इसमें सिफर आम थे। शी वॉन्टेड टू कलेक्ट मैंगोज फ्रॉम द ट्री, बट शी गोट हर्ट एंड वॉज अनएबल टू कलेक्ट अ सिंगल मैंगो। तो उसने क्या किया? उसने टोकरी में आम देखे जो कि सिफर थे, तो वो दरख्त से आम जमा करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? इस दरख्त से जमा करना चाहती थी, लेकिन उसे चोट लग गई और वो एक भी आम जमा ना कर सके। उसने क्या किया? एक भी आम वो जमा ना कर सकी। शी लेफ्ट द गार्डन हैविंग जीरो मैंगो इन हर बास्केट। तो वो अपनी टोकरी में सिफर आम रखते हुए बाग से निकल गई। सो उसकी, क्योंकि उसे चोट लग गई थी तो उसकी बास्केट में तो कोई आम नहीं था, क्योंकि वो कलेक्ट ही नहीं थी कर सकी। सो उसने ऐसे ही जो है वो बाग से जाते हुए उसने अपनी टोकरी में सिफर, जीरो मतलब सिफर यानी कुछ भी, कोई भी आम ना रखा और वो चली गई। सो किड्स, देखा आपने इसकी बास्केट में भी, यहाँ पर ट्री पे तो बहुत ज्यादा आम है, बट उसकी बास्केट में कोई भी आम नहीं। जैसे मेरी बास्केट में कोई भी बॉल नहीं, इसी तरह इसकी भी बास्केट में कोई भी आम नहीं। सो लुक, दिस इज नंबर जीरो, ये नंबर जीरो है। सो जीरो का स्पेलिंग क्या है? जेड ई आर ओ, जीरो, जेड ई आर ओ, जीरो, जीरो मैंगोज, जीरो मैंगोज इन जोयास बास्केट। जोया की बास्केट में जीरो मैंगोज हैं। सो किड्स, पेज नंबर 28 पे आज हमने जीरो के कॉन्सेप्ट को देखा। लास्ट वीडियो में भी हमने नंबर जीरो को देखा, जिसमें बिलाल बच्चा था, जिसके पास तीन चॉकलेट्स थी और उसने अपने जो थी वो फ्रेंड्स में डिवाइड की। सो उसके पास कोई चॉकलेट ना बची। सो इसी तरह यहाँ पर जोया है। सो जोया की भी बास्केट में, चूंकि वो आम ही कलेक्ट नहीं कर पाई, तो जीरो आम है, सिफर आम है। सो हमने इसको देखा। सो किड्स, आपने भी इसी तरह पेज नंबर 28 को ओपन करना है, देन डिस्कस करना है इस पिक्चर को अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।